नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ये शेर राहत इंदौरी साहब का है जो पश्चिम बंगाल में फैली धर्म की सियासत पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं और कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा और एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि जरा इन लोगों की हिम्मत तो देखिए, ये हमारे देश का एक कलंकित अध्याय है। तो सुनिए कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। जो ओबीसी रिजर्वेशन थेके मुस्लिम देर बद दीते होबे आमी तादेर राय मानि ना, आमी मानबो ना। ओबीसी रिजर्वेशन चलबे एर जन्य उच्चतर कोर्टे जेते होले जाबो। जो ओबीसी रिजर्वेशन थेके मुस्लिम देर तो आपने सुना कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि ओबीसी के अधिकार के लिए यानी कि ओबीसी आरक्षण के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ना तो हम न्यायाधीश के फैसले का मानेंगे और ना ही भाजपा की जो कूटनीति भाजपा फैला रही है उसको मानेंगे। तो सीएम, तो आपने सुना ही कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ बोला। अब ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे और इस मामले में पहले भी कई केस दर्ज कराए गए हैं, पर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते हैं। अब इस मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी क्या कुछ कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वे के 118 मुस्लिमों को ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया और कोई कोर्ट चला गया और कोई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 के बीच दिए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। ममता बनर्जी पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती हैं। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। मैं बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जो ये कहे कि कोर्ट का फैसला ना माने। सुनिए क्या कुछ कहा है अमित शाह ने। देखियो, ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। देखियो, ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि
कि साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। साथियों, कभी जिस तो आपने सुना कि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, फिर क्या था, जहां दो लोगों के बयान आए तो इसी बीच जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया। तो चलिए आपको इसी कड़ी में सुनाते हैं कि जेपी नड्डा ने भी इस केस को लेकर यानी कि पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कुछ कहा है। आते हैं कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक उसको भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकंस्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान ने साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है और तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रहा है। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं ना मानूंगी, ये क्या संविधान से ऊपर है, ये संविधान को संभालना इनका काम नहीं है, संविधान की रक्षा करना इनका काम नहीं है। ममता जी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बनी है और संविधान के से ऊपर कोई भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने संविधान को दिखाते हुए
और संविधान को कोट करते हुए ये बताया कि धर्म के आधार पर इस देश में किसी को आरक्षण नहीं मिलता है। राहुल गांधी ये संविधान की पुस्तिका लेकर के फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टिकरण का पर्दाफाश होता है और मुस्लिम तुष्टिकरण स्पष्ट इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। आते हैं कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम, तो आपने सुना कि पहले ममता बनर्जी ने सीधे निशाना साधा भाजपा पर और उन्होंने कहा भी कि ओबीसी आरक्षण रद्द करने वाला आदेश हम नहीं मानते, हम अभी भी उसी धरने पर चलेंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर कैसे पीछे रह सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये आदेश है और संविधान को कोई कैसे नहीं मान सकता। बराबरी की बात की जाती है तो फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर इतनी घमासान पश्चिम बंगाल में किस वजह से है? तो अब आपको आगे बताते हैं कि 2011 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी ममता सरकार के ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ। 2011 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, इसमें दावा किया गया था कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग से थे उन्हें उनके सही सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी से सिद्धांत, कांग्रेस से यामिनी कादिर और स्कॉलर मोहम्मद अकील, हिंदू पक्ष रखने के लिए सुशील चतुर्वेदी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के कि पश्चिम बंगाल में आखिर तुष्टिकरण की राजनीति का कितना असर पड़ रहा है। तो आप सभी गेस्ट का इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा सिद्धांत जी से है कि सिद्धांत जी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आरोप लगा रही है टीएमसी पर कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ममता बनर्जी यह आदेश नहीं मान रही है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है सिद्धांत जी? मैडम, अगर चुनाव में गठबंधन दो मुख्य बिंदुओं पर अपना चुनाव केंद्रित करके रखा है, पहला उनका बिंदु है संविधान की रक्षा। उन्होंने बार बार चिल्लाकर कहा कि हम संविधान को बचाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, सरकार को गिराना है, ये वो जो भी उनकी बात थी। दूसरा, उन्होंने एक बात कही तानाशाही कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, अगर 24 का चुनाव एनडीए गठबंधन नहीं जीतता है तो वो कहीं ना कहीं तानाशाही इस देश में ला देंगे। मैडम, इन दोनों ही चीजों पर जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है या तो वो अमल करती नहीं है या करना नहीं चाहती है, क्योंकि ममता बनर्जी के जो के रुख से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि तानाशाही असल में क्या होती है। देश की न्यायपालिका को बार बार धिक्कारने के बाद ममता बनर्जी अपना सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आज पश्चिम बंगाल का माहौल ये है कि हाईकोर्ट का एक डिसीजन आता है और सरकार उस पर अपना रुख साफ साफ ये कह देती है कि हाईकोर्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये संस्था बिक चुकी है और हम इसके निर्णय को नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि हम मुस्लिमों को ये आरक्षण देना जारी रखेंगे। तो ये जो मोहब्बत की दुकान है, मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुस्लिम मोहब्बत की दुकान ममता बनर्जी जी चलाना चाहती हैं, इसके पीछे क्या वजह है वो उनके लिए अपने मायने रखती है। दूसरी बात एक और भी है मैडम, इसी निर्णय को लेकर अभी कुछ दिन पहले एनसीबीसी को एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें कहा गया कि 83 ऐसी जातियां हैं जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और जो पिछड़े वर्ग में नहीं है, तो उनको इस निर्णय में लाकर कहीं ना कहीं अपमान किया है और ज्यादातर बेनिफिशियरी या तो रोहिंग्या मुसलमान है या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। उस रिपोर्ट को भी ममता बनर्जी ने सिरे से नकार दिया, तो ये बिल्कुल साबित करता है कि तानाशाही का जो शासन है वो कांग्रेस लाना चाहती है और इंडी गठबंधन कुल मिलाकर तानाशाहों का एक गिरोह बन गया। ठीक है सिद्धांत जी। यामिन कादिर जी,
बड़ा आरोप लग रहा है ममता बनर्जी पर कि आखिर ओबीसी आरक्षण को लेकर धर्म की राजनीति पश्चिम बंगाल में क्यों चल रही है? क्या इसी के पीछे धर्म के आड़े रहकर वोट बैंक की लुभावना दी जा रही है? यामिन जी देखिएगा, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है तो हम सभी उसको स्वीकार करेंगे, न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन ममता जी ने तो इस आदेश को खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि हम ऐसे कोई भी आदेश नहीं मानेंगे, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ हो सकता है। अगर उनका ये कहना है तो वो अपील करें सुप्रीम कोर्ट में, उनका रास्ता खुला हुआ है, अभी कोई बंद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा वो मान्य होगा, न्यायालय के आदेश को ही माना जाता है। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर निर्माण का था, जो न्यायालय के आदेश पर ही उसका डिस्पोजल किया गया और पूरी देश की जनता ने, हिंदू और मुसलमान ने उसको माना। तो मैं समझता हूँ ये निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, वो अब वहां से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक वोट की राजनीति का सवाल है, मुस्लिम का या उसका, मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ इस प्रकार के नुक्ते लग जाते हैं, वो 18 सीट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो इसको इसलिए भी हवा देना चाहते हैं मुस्लिम राजनीति की, क्योंकि पहले चुनावों में वो मुस्लिम राजनीति के दम पर चुनावों का जो खेल बिगाड़ रहे थे, वो भारत की आवाम ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में तीसरा चौथा पांचवा चरण मतदान करके ये बता दिया कि हम जो अब जो है हिंदू मुस्लिम पे, राम मंदिर पे, मंगलसूत्र पे, गौकसी पे, पाकिस्तान पर, इस पे वोट ना करके अब हम वोट जो करेंगे, अब हम करेंगे बेरोजगारी पर करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पर करेंगे, शिक्षा पर करेंगे, देश में अमन और चैन पर करेंगे और नौकरियों पर करेंगे। जैसे राहुल जी की योजना है कि हम 1 लाख रुपया पर साल जो है गृह लक्ष्मी योजना के अंदर प्रमुख महिला को देंगे, बेरोजगारों को 1 लाख रुपए देंगे। आप 5 किलो राशन पे अपना फोटो लगाते हो, हम 10 किलो राशन जो है प्रत्येक नागरिक को देंगे। लेकिन यामिन जी, बड़ा मुद्दा एक आ रहा है पश्चिम बंगाल का कि आखिर ममता बनर्जी ये ओबीसी आरक्षण रद्द करने वाले आदेश को आखिर क्यों नहीं मान रही है, क्या वजह है इसके पीछे? यामिन जी देखिए, ममता बनर्जी राज्य की प्रमुख है, वहां पर वो कई वर्षों से मुख्यमंत्री चली आ रही है, इसलिए कि वो वहां की स्थिति जानती होंगी। जैसे कि एक बार ममता बनर्जी जी ने हाईकोर्ट के अंदर एक अपील लगाई थी, एक केस याचिका दायर की थी कि मैं जो है पश्चिम बंगाल के अंदर गौकशी पर रोक लगाना चाहती हूँ, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया था कि गौकशी के लिए हम पूरे पश्चिम बंगाल की जो है जांच करा करके और वहां की आख्या प्राप्त होगी तब कहीं हम देंगे। मैं समझता हूँ उस याचिका को भी करीब करीब 2 या 3 वर्ष होने आ रहे हैं, अभी तक वो वहां से रिपोर्ट नहीं गई है। तो ये तो वहां की सिचुएशन हर राज्य की अलग होती है, और वो क्यों नहीं मान रही है इसको वो जनता जवाब दे देगी। मैं तो एक फिर से आएंगे, हिंदू पक्षकार शिशिर चतुर्वेदी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तो शिशिर जी, बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल से आया है, वो मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का। एक तरफ कांग्रेस कहती है, इंडिया गठबंधन कहता है कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन धर्म की दुकान में कैसे तब्दील हो गई, क्या वजह है इसके पीछे? सुशील जी देखिए, देश में एक विषम स्थिति पैदा हो गई है। संविधान की कसम खा करके मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाली एक मुख्यमंत्री कहती है हम अदालतों का आदेश नहीं मानेंगे, तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। ये तो सीधे सीधे राजद्रोह की स्थिति में आता है। जिस प्रकार से पिछड़ों के अधिकारों के हनन करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने की जो बात आ रही है, पहले उनको इस्लाम को भी समझना चाहिए। इस्लाम में मुसलमानों को समानता का अधिकार दिया गया है, वहां पर कोई अगला पिछड़ा कोई नहीं है। वहां पर मुसलमान का मतलब एक मुसलमान, कुरान का मतलब एक कुरान पूरी दुनिया में। तो जब उनको आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है, कोई उसका कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ये कौन होते आरक्षण देने वाले, पिछड़ों के हक पे डकैती मारने वाले? तो ये जो तुष्टिकरण की विपक्ष की राजनीति है उसको पूरा देश समझ चुका है। चाहे इंडिया गठबंधन जो है उसके जितने भी घटक दल है, वो अपने अपने स्टेट्स में मुस्लिम तुष्टिकरण करके उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए, देश के टुकड़े टुकड़े, खंड खंड, प्रदेश प्रदेश में करने को तैयार है। जिस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 वहां समाप्त करके वहां लोगों को जोड़ने का काम किया है, ठीक इसी प्रकार से इंडी गठबंधन देश को तोड़ने का काम कर रहा है और आरोप लगाता भाजपा पे। अरे जब पिछड़ों का कोई मामला है ही नहीं जहां पर, वहां पर उनको पिछड़ों में घुसेड़ करके उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बहुत गलत परंपरा है और इसको केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट है उसको देखना होगा कि किस प्रकार से राज्य की चुनी सरकार की मुख्यमंत्री संविधान की कसम खा करके वो संविधान को तोड़ने की बात कर रहा है कि आखिर 77 जातियों में से मुस्लिम वर्ग को क्यों निशाना बना रही है बार बार टीएमसी, और ओबीसी आरक्षण को एक तरह से जो रद्द किया जा रहा है इस आदेश को मानने के पीछे क्या वजह हो सकती है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म की प्रति जो रुझान है, क्या कोई वोट बैंक का लालच तो नहीं है? बंगाल से सटा हुआ जो है पश्चिम जो बांग्लादेश है तो वो बांग्लादेश घुसपैठिए जो है वो आ करके यहाँ पर फर्जी तरीके से वो वहाँ वोटर बन चुके हैं, जिन वोटों के आधार पर वहाँ पर वहाँ ममता बनर्जी की सरकार स्थापित है बांग्लादेशी घुसपैठियों के। जो अभी आपने शेख जी का मामला देखा था जो हिंदू लड़कियों को परोसने की बात खुलेआम करते थे, रोज हिंदू लड़कियां चाहिए उनको, ऐसी विषम स्थिति में जिस प्रकार से वहां के आम नागरिक जो बंगाली हमारे भाई हैं उनके साथ जुल्म, जो हिंदू बंगाली हैं तो उनके साथ जुल्म खुलेआम हो रहा है। दुर्गा पूजा करने पे जो वहां का सबसे बड़ा उत्सव है वहां पर रोक लगाई जाती है, मुस्लिम त्योहारों पे जहां छूट दी जाती है, तो लगातार जब से सरकार वहां बनी है वो खुलेआम पूरा इस्लामिक स्टेट बन चुका है बंगाल। अब उसको अगर बचाना है तो उसको कौन बचा सकता है? वहां जो न्यायालय व्यवस्था है वही वो उसकी रक्षा कर सकती है, लेकिन जब वो न्यायालय को भी नहीं मानने को तैयार है तो केंद्र को चाहिए राष्ट्रपति वहां शासन लगाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक बड़ा आदेश दे जिससे वहां संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक सरकार वहां काम कर सके। ठीक है सुशील जी, जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की सत्ता चला रखी है, पंकज जी बड़ा सवाल उठता है कि आखिर धर्म की जो राजनीति चल रही है, फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर पूरे देश की बात की जाए, एक तरफ चुनावी बयार चल रही है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जो धर्म को लेके राजनीति छिड़ी है, कितना नुकसान हो सकता है टीएमसी को इसके बाद? पंकज जी देश में 52% आबादी ओबीसी की है और ओबीसी को आरक्षण 27% आरक्षण प्राप्त है, और इस बंगाल की बात करें तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और ममता बनर्जी वहां 27% मुसलमानों की आबादी है, तो ममता बनर्जी जो एनडी गठबंधन के घटक दल है वो ये चाहती है कि मुसलमानों को ओबीसी में ही मुसलमान बना दिया जाए और उसके माध्यम से उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, इसी के तहत उन्होंने उनको उसमें शामिल किया मुसलमानों की 114 जातियों को और उसमें उनको ओबीसी बनाकर उनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था, जिसको हाईकोर्ट में रिट होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अरे सॉरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कहा कि आप जो है नया तरह से वहां पर लिस्ट जारी करिए और बताइए 2010 के बाद ये जो आपने वहां का आधार बनाया था ओबीसी में जिसमें आपने मुसलमानों को शामिल कर दिया था, और सवाल ये है कि मुसलमानों में कोई ओबीसी और कोई किस तरह की जातियां नहीं होती जी, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते और मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कृतसंकल्प करती है, लेकिन उनका ये कारनामा नहीं चलेगा क्योंकि संविधान के शपथ देने वाली ममता बनर्जी एक तरफ न्यायालय को एकदम ठेंगा दिखाने का काम कर रही है और वो कह रहे हैं कि मैं न्यायालय की किसी बात को नहीं मानूंगी, जबकि उनके लिए रास्ते खुले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सकती है, वहां से वो अपनी बात कह सकती है, लेकिन धर्म के आधार पे आरक्षण देना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, बिल्कुल गलत है। और ममता बनर्जी का यह वक्तव्य कि जो है मैं उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानूंगी, उसका अनुपालन नहीं करूंगी, ये भी बहुत ही निंदनीय है, उनका ये बयान भी बहुत निंदनीय है, वो न्यायालय से ऊपर नहीं है इस तरह की बात करना। और चूंकि इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं वहां 42 सीटें हैं और 42 सीटों में 10 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है, ये और 27% आबादी वो मुस्लिम बाहुल्य है, उसको देखते हुए ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान वो दे रही है कि जिससे ध्रुवी कैनरा हो जाए और उनको वोट मिले। कर्नाटक में उनके कांग्रेस ने भी यही किया कि ओबीसी आरक्षण को काट के
उसमें 5% में जो है 5% आरक्षण मुसलमानों को देने का काम किया जी। इस तरह से ये इंडी गठबंधन के लोग इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि जो है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में कई बार कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण का हम सभी विरोध करते हैं। ठीक है पंकज जी, आपके पास फिर से आएंगे। अखिल जी, धर्म की राजनीति चल रही है पश्चिम बंगाल में, क्यों चल रही है ये धर्म की राजनीति पश्चिम बंगाल में? आखिर ममता बनर्जी क्यों आरक्षण देना चाहती है? एक तरफ कांग्रेस बात करती है बराबरी की, गठबंधन बात करता है बराबरी की कि हम सभी को बराबर का दर्जा देते हैं, और दूसरी तरफ धर्म की राजनीति। अखिल जी, हेलो अखिल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, आ रही। हाँ अखिल जी, क्या जरूरत आन पड़ी है कि पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है? भावनाएं हैं, फिर वो चाहे हिंदू धर्म की भावना हो या फिर मुस्लिम धर्म की, सभी को ठेस पहुंचती है, और ऐसे बराबरी का हक देने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि एक तरफ गठबंधन खुद ही कहता है कि हम सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देते हैं। अखिल जी देखिए, अभी आपने अपना शो शुरू करने से पहले एक शेर कही थी राहत इंदौरी साहब का जी, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जिस तरीके की बात आप सभी पैनलिस्टों ने कही है, और जहां तक न्यायपालिका और माननीय इलाहाबाद माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है, और उस फैसले को सबको मानना है। अगर ममता बनर्जी को किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उनके लिए आगे का रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी बात रख सकती हैं। लेकिन जहां तक आप धार्मिक बात कर रही हैं, तो मैं आपके चैनल पे पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश की तरफ से, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आज तक पूरे देश में किसी ने धर्म की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत ही धर्म के नाम पर है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरी चीज नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जो संविधान है, संविधान के दायरे में रह करके हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है। और जहां तक बात रही आरक्षण की, क्या आरक्षण में सिर्फ मुसलमान ही आते हैं? मुसलमानों को आरक्षण की बात जहां तक है, वहां पर मुसलमानों में भी इन्हीं के ऐसे लोगों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक हम मुसलमानों में एक कौम पैदा कर दिया, पसमांदा समाज। तो पसमांदा समाज को जब आप जोड़ रहे हैं, जो चीज आपको मिले वो अच्छा है, और जो आपको ना मिले वो आपको खराब है। क्योंकि आपको ये पूरी तरीके से पता चल गया है कि अब देश की आवाम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं कर रही है, अब पूरी तरीके से देश की आवाम वोट कर रही है शिक्षा पर, रोजगार पर, व्यापार पर। आप इन पे बात क्यों नहीं करते? आरक्षण जिसको लेना है जिसको देना है, जो मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप जो संवैधानिक पद पर, अभी किसी एक पे थोड़ी लागू होता है कि खाली ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी बैठी है बंगाल में तो उन्हीं को संवैधानिक पद पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी महाराज जी तो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अमित शाह जी भी तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इनकी किस तरीके की भाषा होती है इस पे भी तो आप गौर करिए। आज देश के अंदर किसान की क्या हालात है, नौजवान की क्या हालात है, महिलाओं के साथ किस तरीके का भद्रता होती है, इस पे भी जरूरत है बात करने की। जी अखिल जी, लेकिन अखिल जी आपने एक मुद्दा उठाया धर्म को लेकर, अगर इस लिस्ट में सिर्फ पश्चिम बंगाल के ही लोग शामिल होते तो ठीक था, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनको लेकर ये आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी इसमें शामिल है? आपके पास कोई साक्षी है कि खाली आपके कह देने से हम मान लेंगे? नहीं, आप हिंदुस्तान कोई आपके पास प्रूफ है तो देख लीजिए, और जो न्यायाधीश आप रोहिंग्या मुसलमानों का और बांग्लादेशी मुसलमानों का लाइए, आप जारी करिए सूची अगर आपके पास है तो, वरना फर्जी की बात मत करिए चैनल पे बांट करके मोहतरमा जी।
ये हवा देने का मत करिए, जो सही है उसको आप कहिए। इन्फॉर्मेशन नहीं होगी लेकिन हम यहाँ इन्फॉर्मेशन लेके बैठते हैं, चर्चा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। अकील जी, अगर आपके पास चर्चा नहीं है तो ये आपका मुद्दा है, क्योंकि न्यायालय से जो ये आदेश आया है वो इसी आधार पर आया है। मैं अभी, अगर आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, अभी कल एक जज साहब वहीं से हैं जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, उधर उनके उनकी नौकरी खत्म हुई और उसके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो संदेह के घेरे में है। मैं न्यायपालिका पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो हालात तो है दूसरे जज साहब उसी कोर्ट में है, वो आरएसएस के पक्के मेंबर है। आप किस बात को करिए, शायद आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो प्रूफ आप लेकर आइए। इस तरह के भाषण यहाँ पर आपके पास साक्ष्य है और प्रूफ है कि बांग्लादेशी मुसलमानों का आप बार बार जिक्र कर रही है, हमारे देश में के अंदर आने को बात कर रही है, किसकी जिम्मेदारी है? बार बार जिक्र नहीं हुआ, बस ये कहा गया है कि न्यायाधीश की तरफ से जो आदेश आया है उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी लोग शामिल हैं। मैंने पहले सुनिए मोहतरमा, सुनिए मोहतरमा, मैंने बात कही कि माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को सारे लोगों को मानना है, अब ममता जी के साथ तो आगे बढ़ने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको बात अपनी रखनी चाहिए। मैंने ये कहीं पर टीका टिप्पणी नहीं करी है। नहीं नहीं, आप बार बार मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान क्या भारत के मुसलमान नहीं है? हमें नहीं चाहिए आरक्षण, क्यों नहीं चाहिए? अकील जी, सिद्धांत जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मैडम, इन्होंने कहा कि आपके पास साफ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 28 फरवरी 2024 नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने एक इंक्वायरी बिठाई पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर, और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के द्वारा 83 जातियों को ओबीसी लिस्ट में डालने का प्रावधान किया गया, जिसमें 78 जो है वो मुस्लिम का कम्युनिटी से आती हैं, जिसमें कि बंगाल के स्थानीय निवासियों की संख्या के मुकाबले जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं उन्होंने सबसे ज्यादा इस आरक्षण को बैर किया है। उन्होंने कहा है, ये स्टेटमेंट कोड है, आप जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिए एनसीबीसी की रिपोर्ट को जो 28 फरवरी 2024 को आई थी, उसमें ये कहा गया है, साफ अक्षरों में लिखा गया है, और ये स्वतंत्र एक कमीशन होता है जो इस पर रिपोर्ट देता है, उसमें कहा है कि साथ ही साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों ने अपनी संख्या बढ़ाकर यहाँ पर गैर वैधानिक तरीके से वोट बनवाने का काम भी किया है। अब मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहूंगा, जो हमारे पैनलिस्ट थे उनकी जो बात थी उसमें ज्यादातर खीज नजर आ रही थी, उसमें ज्यादातर चीज नजर आ रही थी, उन्होंने एक शेर कहा, तो उनके जवाब में मैं भी एक बात कहना चाहूंगा, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। सही बात यह है कि आज इंडिया अलायंस पर उन्हीं की ममता सरकार ने बिजलियां गिरा दी हैं। अब इस बिजली के से बचने के लिए सबने अपनी टीन से तान ली है, ना राहुल गांधी को इसमें संविधान लुटता हुआ दिख रहा है, ना अरविंद केजरीवाल जी को इसमें तानाशाही दिख रही है, ना इसमें किसी को भी कुछ भी दिख रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम हिंदू मुसलमान करते हैं। मैडम, हम हिंदू मुसलमान करते हैं, मैंने कल भी ये बात की, आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रत्येक नागरिक की बात करती है, और हमारी योजनाओं में आप देख लीजिए तो अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी मुसलमानों में। तीसरी बात, उन्होंने पसमांदा समाज की बात कही, पसमांदा समाज को आज अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी जो बैकवर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको मेन धारा में लाना चाहते हैं तो इनको क्यों ऐसा डर लग रहा है? क्या सिर्फ सैयद और पठान ही मेन धारा में रहेंगे? पसमांदा समाज के जो मुसलमान हैं उनको भी आगे बढ़कर काम करने की जरूरत किया क्या? ये तो आप बताइए, खाली डंका पीटने थोड़ी ना होता है। मुसलमानों को भी मेन धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस लाल चौक पर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे, आज वहां पर हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग लहरा रहा है और उसको जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने ही लहराया है। उन्होंने एक स्वर में ये जवाब दे दिया है कि कट्टरवादी सोच और आतंकवादी सोच, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, उसको भारत की जनता सिरे से नकार देती है, और एक देशभक्त मुसलमान कभी भी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों और हिंदुओं का सम्मान समर्थन और सम्मान नहीं करता है जो आप कर रहे हैं। सिद्धांत जी, आपके पास फिर से आएंगे। यामिन जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा भी है।
कि आखिर धर्म की राजनीति पर फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, इतना फोकस क्यों रहता है? देखिएगा, ये सातवें चरण के मतदान के बाद सारी धर्म की राजनीति शांत हो जाएंगी जी। आज हाईकोर्ट का एक निर्णय आ गया, कोई ऐसा तो है नहीं कि आज ही ममता बनर्जी ने याचिका दायर कर दी, एक निर्णय आ गया इनको वोट बैंक बनाने के लिए जो है समय मिल गया और टीवी पे डिबेट चालू हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बात करते हैं आरक्षण की, तो राजस्थान के अंदर जब मीणाओं ने आरक्षण मांगा तो उनको मीणाओं को आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया? मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 4% जाट समुदाय को आरक्षण दिया गया, तो किसी मुसलमान को कोई ऐतराज कहीं नहीं है। आप पूरा आरक्षण हमारा काट कर दे दीजिए, हमें शिक्षित होने से मत रोकिए, हमारी स्वास्थ्य सेवा। यामिन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? शिशिर जी बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, अभी एक सवाल उठा कि आदेश में आया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है ओबीसी आरक्षण लिस्ट में, तो हमारे पैनल पे कई गेस्ट भड़क जाते हैं कि बार बार मुस्लिम धर्म की बात की जाती है, लेकिन धर्म की राजनीति सिर्फ इंडिया एयरलाइंस नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कि चुनाव आयोग ने धर्म जाति की नाम लेने पर पाबंदी लगाने के लिए कहा है दोनों प्रमुख दलों को, भाजपा कांग्रेस दोनों को, तो एक तरफ भाजपा सबका साथ सबका विकास कहती है, दूसरी तरफ तुष्टिकरण करके कांग्रेस के लोग जहां तुष्टिकरण करते हैं वैसे ही भाजपा को बोलना पड़ता है हिंदू मुस्लिम पे, तो समस्या यहां पर है। अब बात आती है के फर्जी संगठन, जैसे आपको फर्जी चैनल का कहने की बात को अभी अकील खान जी ने कहा, तो संगठन तो इन्हीं का फर्जी है, इस्लाम के अनुसार इस्लाम में जातियां नहीं है जी। इस्लाम कहता है कि दुनिया में एक ही ग्रंथ है कुरान हमारा, और एक ही हमारे धर्म है जिसके सभी हम सब फॉलोअर है, तो उसके अनुसार वहां पर अगला पिछड़ा कुछ है ही नहीं वहां पर। तो अकील खान जी जो मोमिन समाज और ये बनाए तो ये थोड़ी सी बात कहो तो इनके आग लग जाती है तो उछलना शुरू कर देंगे अभी ये, तो अब दूसरों की बात जब तक नहीं सुनेंगे इनके समझ नहीं आएगा। इनसे पूछ लीजिए कि क्या इस्लाम में जाति का रास्ता है? आपने कहा इस चैनल को मैंने फर्जी बताया, मैंने कहा कि जो अगर मुसलमानों को आप बता रहे सूची, अगर उसकी कोई नीच है तो आप दिखाइए, फर्जी बात मत करिए, ये बात मैंने कही है। देखिए दर्शकों तक सही बात जाने दीजिए, रायनी समाज की लड़की को कोई सैयद पठान नहीं लेने को तैयार है, ये धरातल की सच्चाई है। दूसरी तरफ अगर धार्मिक व्यवस्था से बात करें तो इनके जाति नहीं है, लेकिन ये मुल्लाओं का धर्म अलग है और जो कुरान की आयतों के अनुसार है वो बात अलग है, तो जो कुरान कहती है कि इनके जाति की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनके जो सैयद और पठान है ये अपना चाबुक चला करके ये छोटी छोटी जातियां जो धर्मांतर करके बनी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सरासर गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप करेंगे, आप सारे देशवाल के हिंदुओं को मानते हो, सारे हिंदू हैं, दलित हैं, एससी हैं, ओबीसी, उनसे आप शादी करेंगे, आप करवाएंगे उनकी शादी? नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप बैठ करके तो बड़े बातें करते हैं लेकिन अलग हटके दूसरी बातें करते हैं। शिक्षा का कारण है भारतीय समाज में, हिंदू समाज में बहुत पुराने समय से होती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज होती आ रही है और सहमति से होती है, सबके बीच में बोलेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, जैसे सब्जी मंडी होती है वैसे चर्चा को बना देते हैं, अपनी बारी में अपनी बात रखने जब आपको मौका मिलता है तो पूरी बात रखिए, लेकिन दूसरे के वक्त में नहीं बोला जाता है, मेरी बात को आप लिखिए और मेरी बात को अपनी समय में काटिए, तर्कों से अगर आप काट सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। मेरे मित्र सैयद कहते हैं कि हमारे चार पीढ़ी पांच पीढ़ी जब तक ओरिजिनल सैयद नहीं देख ले तब तक उसके शादियां नहीं होती है, यही सच्चाई है इनका।
शिशिर जी, सवाल ये है कि धर्म की राजनीति फैली हुई है पश्चिम बंगाल में, फिर वो चाहे हम पूरे देश की बात करें, आखिर धर्म की राजनीति पर सत्ता दल क्यों करते हैं? जहां हम सब एक तरफ ईद और दिवाली मिलकर मनाते हैं, लेकिन जब बात आती है राजनीति की तो धर्म के को खेल क्यों जाते हैं ये राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक पंडित? मुझसे सवाल है जी शिशिर जी। जी मैं ये कह रहा हूं कि धर्म और जाति की जो बात है, आज ही आपने देखा चुनाव आयोग ने कल ही नोटिस इशू किया है बड़े दलों को। अब चक्कर क्या है, दो तरीके की राजनीति पूरे देश में चल रही है अलग अलग राज्यों में, जहां छोटे छोटे दल मुस्लिम तुष्टिकरण करके, जैसे बिहार है वहां माई फैक्टर पे जो लालू जी की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल वो उस पे काम कर रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी दो एक जातियों को लेके मुस्लिमों के साथ गठबंधन बना के लोग सरकारें चला रहे हैं। और जो कि पहले कांग्रेस करती थी, कांग्रेस का ये मामला छीन करके छोटे छोटे दलों ने कब्जा कर लिया, इसलिए कमजोर कमजोर पड़ गई कांग्रेस। आपको याद होगा एक जब नाथूराम गोडसे जो जाति से ब्राह्मण थे, जब उन्होंने गांधी जी की हत्या की तो सारे ब्राह्मण मारे जाने लगे, जब एक गांधी की हत्या एक सरदार ने की तो सारे सरदार मारे जाने लगे। तो इसी तरीके से जहां एक तमिलनाडु के व्यक्ति ने, जब वहां के लोगों ने एक गांधी की हत्या की तो वहां पर दक्षिण भारतीयों को मारा जाने लगा, उनका विरोध होने लगा। तो जिस प्रकार से देश में अवस्था कांग्रेस के समय में पहली, जिस प्रकार से सारे संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का ये कहा गया, वो एक तुष्टिकरण की जो राजनीति थी शुरुआत से आज तक करके, जहां पर अकबर को महान बता दिया गया, तो इस तरीके की राजनीति और शिक्षा पद्धति को नष्ट करके दबाया गया, वो आज करके हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, सरकार की बोलने देंगे। ये बहुत बड़े ईमानदार बनते हैं मोदी जी, कहीं कहते हैं मैं सिवैया खाने जाता हूँ, कहीं कहते हैं ये आपकी विरासत ले लेंगे, भैंस ले लेंगे, आपसे विरासत टैक्स मांगेंगे, ये महाझूठे भ्रष्ट, इनकी पोल आज कह रहे थे कि वो अडानी के यहां से टेम्पू कांग्रेस कार्यालय गया, अब जो कोयला आ रहा है घटिया क्वालिटी का उस पर इनको मुंह बंद है। आप कहां बात करेंगे, आप हिंदू मुस्लिम सिर्फ चला और साथ में चलाव कराना चाहते हैं, आपकी हार इनकार हो गई है। आप चुनाव आयोग की बात करते हैं, चुनाव आयोग आपने खरीद के डाल दिया, कहा है कि मैं रात में सुनवाई करूंगा आपकी, अंबेडकर जी की जयंती हम मनाएंगे तो आपको तकलीफ हो जाती है, लेकिन जो आप इन बातों पर मानते हैं संविधान की बेटियां आप लोग खुले यहाँ उड़ा रहे हैं और ये उड़ाते रहे हैं, आज से नहीं उड़ा रहे हैं, आपका इतिहास चलना पड़ा है। कांग्रेस जो है आज पंगू हो गई है, नहीं आ रहा है। सिद्धांत जी पहले आप यामिन जी को सुन लीजिए कि आखिर वो क्या क्या रहे, फिर आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। यामिन जी चाहता हूँ सही है तो मौका देता हूँ, लेकिन वो किसी की बात के बीच में बोल रहे हैं, आप वो स्वर जाति में आते हैं, ये सैयद कर रहे हैं, ये कहना सीख ले पहले, मैं किसी जाति के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा। आप जी बहुत बड़े प्रवक्ता बन रहे हैं भाजपा के, अरे आप तो वो लोग हैं कि पड़ोसी मुल्क में बिरयानी खा के आ जाते हो, आप तो वो लोग हैं कि आप मुसलमानों में लड़ाना चाहते हो, हिंदुओं में लड़ाना चाहते हो, ब्राह्मणों को लड़ाना चाहते हो, आप जो है देश के अंदर जो अराजकता का माहौल फैलाए हुए है उसका जवाब जनता दे रही है। आप जीत नहीं सकते, आप हिंदू मुस्लिम बगावत कराएगा जीत नहीं सकते, आपकी ये राजनीति एजेंडा है, आप श्री राम के नाम पे वोट मांगते हो, कभी इंदिरा ने आप वाजपेयी जी ने मांगा वोट नहीं, आप मैं कह सकता हूँ आपसे
आप बिल्कुल भ्रष्ट बेईमान झूठे मार और झूठे जुमलेबाज हो भाजपा वाले, बिल्कुल भाजपा जुमलेबाजी पे काम कर रही है, मुसलमानों को लेकर हर जगह बवाल करना चाहती है, छठा और सातवां चरण बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग पश्चिम बंगाल की आड़ में। और हम कह चुके हैं हम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे, और कांग्रेस वहां अपना अलग चुनाव लड़ रही है, ममता जी अलग लड़ रही है, कांग्रेस को घसीटना सीख लिया है। आप चिंता ना करें, आपको जवाब भारत की जनता बहुत जल्दी दे रही है। ठीक है, लेकिन यामिन जी एक सवाल है कि टीएमसी पिछली बार अगर बात करें कि टीएमसी बंगाल से 17 सीटों पर अभी आ रहे हैं, 17 सीटों में से 12 सीटों पर दांव लगा हुआ है, और वो 17 सीटें टीएमसी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से मुस्लिम वोट बैंक का इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन अब ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद चुनावी दौर में इसका कितना बड़ा असर या कितना खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है, यामिन जी? जी देखिए, ममता जी के इस बयान से इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं है। हमारा वोट हमें मिल रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर हम सीपीएम के साथ अलायंस बनाकर लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी अपना चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं मांग रहा है। इंडिया गठबंधन मांग रहा है बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा और जो है देश में अमन चैन पर वोट मांग रहा है, उसी पर जनता वोट कर रही है, और हम जीत कर दिखाएंगे। इनके जुमलेबाजी, झूठ, 15 लाख, नोटबंदी, ये सब धरे रह जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हम राम मंदिर पर भी वोट नहीं कह सकते हैं। हिंदू समाज कभी जो है राम मंदिर पर अटल जी ने नहीं मांगा, अडवाणी जी ने नहीं मांगा, यही हिंदुओं के ठेकेदार हैं, यही दोनों ठेकेदार हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा दोबारा होगी। आप कहां ठेकेदार बने हो, एक बार सत्ता से हटोगे आपके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे और आप जेलों में जाओगे। देखिएगा, आपने जो देश के साथ अडानी जी के साथ खिलवाड़ किया है, आपने किसानों के साथ जो गोलियां चलवाई हैं, सर्दी के अंदर जो पहलवानों के साथ बदतमीजी कराई है, उसका जवाब ही समान नहीं है। हम सावरकर के भक्त हैं, हम जेलों से नहीं डरते, हम आपके पापों से नहीं डरते, आपको पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हो, बिना बुलाए जाते हो, और एक तरफ सभाओं में पाकिस्तान के कहते हो। आप जैसा गद्दार नहीं है कोई देश के अंदर, आप हिंदू मुस्लिम लड़ा के चाहते हो, आप हिंदू भी और मुसलमान भी समझदार हो, आपकी बात ना आगे भी नहीं करेगा। मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं कि हमें कांग्रेस से, हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास बैठो नहीं बात करिए, तो क्या ये उनकी है? सुनना जी करिए, डरना चाहिए पाकिस्तान से, आप हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जबकि इंडिया लाइन से तेरी चीज जो है वो देशद्रोहिता से रंगा हुआ है। आप चेक करिए अपना चेहरा, देखिए बोलने का मौका दीजिए, आपको पूरा समय दिया गया है। सिद्धांत जी आप कुछ कह रहे थे, और आप सभी से अपील करेंगे कि एक एक करके प्लीज अपने मुद्दे रखिए, दर्शक नहीं समझ पाएंगे कि आखिर आप क्या कह रहे हैं। सिद्धांत जी, मैडम यहाँ पर एक बात बार बार कही जा रही है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। मैं दो बातें उनकी रखना चाहूंगा जल्दी से। एक, 29 अप्रैल 2024 को शेख जहां की गिरफ्तारी का केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दखल देते हुए सीबीआई जांच पर रोक की मांग ममता बनर्जी ने की। दूसरी बात, राष्ट्रगान केस मई 29 2023 में हुआ, जिसमें राष्ट्रगान के अपमान का आरोप ममता बनर्जी पर लगा और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में इनको फटकार लगाई, लेकिन इन्होंने उनके निर्णय को भी नहीं माना। तो ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस का कोई भरोसा नहीं है कि ये कल देश के उच्चतम न्यायालय ने, अगर यही निर्णय देश के उच्चतम न्यायालय ने दे दिया तो ये उनको भी टिका हुआ कह देंगे। दूसरी बात मैडम, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जी। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही, एक सेकंड रुकिएगा,
कि हम जो है टीएफ उसके सीपीएम के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया अलायंस का कोई कंफर्म ही नहीं, वो कहां पर किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। दिल्ली में ये कांग्रेस के आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन पंजाब में इनकी आम आदमी पार्टी से लड़ाई चल रही है। तेलंगाना में ये गठबंधन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में इनकी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद ये ऐसा एक संगठन है जो अपने फायदे के लिए AIMIM से भी गठबंधन कर लेता है, दूसरी तरफ शिवसेना से भी गठबंधन कर लेता है। और इनकी जो सोच नीति और नियति दोनों भ्रष्टाचारिता और कुचक्र से लदे हुए हैं मैडम, ये बिल्कुल जनता समझ चुकी है। और आने वाली 4 जून को 2019 से भी बड़े जनमत से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। अकील जी, जी जी अकील जी, जी अकील जी, अकील जी, अकील जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो इस पे इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय के पेट में क्यों दर्द पैदा है? इनके दर्द इस वजह से पैदा है कि अब देश की 140 करोड़ आवाम ये पूरी तरीके से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये कार की हांडी अब बार बार नहीं चढ़ेगी। अकील जी अपनी पूरी बात फिर से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही थी। मैं आपके चैनल पे बड़े जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं और बड़ी लंबी चौड़ी और रंगी चुपड़ी बातें बता रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस का इंडी से गठबंधन नहीं और इंडी का वहां से गठबंधन नहीं और बिहार में नहीं, वो दिल्ली में लड़ रहे हैं, पंजाब में नहीं। तो आपके पेट में दर्द क्यों पैदा है? क्योंकि आपको डर सताने लगा है। 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से देश की आवाम ने हवा निकाल दी है। इस वजह से अब इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंगलसूत्र, जिस दिन से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने अपना मैनोफेस्टो जारी किया है, उसी दिन से इनके पेट में मरोड़ पैदा हो गई कि अब इनके देश के अंदर जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है। अब इस वजह से ये वहीं पर लाना चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का माहौल बने। देश की आवाम अब शिक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है, व्यापार चाहती है, सम्मान के साथ जीना चाहती है, अपना कारोबार करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जुमलों की सरकार अब देश की 140 करोड़ आवाम ने पूरी तरीके समझ लिया है। जो मोदी जी ने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहां चली गई नौकरी? कहा था 15 लाख रुपए खाते में देंगे, कहां चली गई? आज महंगाई कहां है? किसान के साथ किस तरीके हो रहा है? इस पे आप बात करेंगे, कब करेंगे? क्योंकि अब देश की 140 करोड़ आवाम तुमको पूरी तरीके से नकार चुकी है और अब देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से खुद को नहीं पाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश की आवाम बीच में बोल रहे हो जब अकील खान बोल रहे हो तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बोलेंगे, बोलिए देखते हैं आप अकील जी। अगर शिशिर जी कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब में आपके जवाब अकील जी देंगे, हमको मत समझाओ। ठीक है शिशिर जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे जिनके जवाब अकील जी देंगे, पूछिए सवाल, आपके क्या थे सवाल ये बताए शिशिर जी। तो एंटी गठबंधन को सिंहासन पे बैठा रही, अभी इन्होंने कहा तो इन्हीं की बात के
अनुसार इनसे पूछिए क्या इसका मतलब दूसरी पार्टियों को एक भी वोट नहीं मिलेगा, केवल इनसे ये पूछ लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम में जातिगत व्यवस्था है क्या? आज तक बचपन से आज तक अखबारों में पढ़ते आए हैं फला विधानसभा में इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने लाला, इतना बनिया, और दूसरी तरफ मुसलमान 18,000 कहा जाता है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये नई व्यवस्था कहाँ से लागू हो गई? क्या इस्लाम में है? अगर इस्लाम क्या थोड़ा जानते हो तो। ये अकील जी शशि जी ने सवाल पूछे हैं तो जवाब भी दे दीजिए। अकील जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अकील जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है यामिन जी आप भी जवाब दे दीजिए सुशील जी के सवालों के। अकील जी अगर आपको मेरी आवाज आए तो प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। सुशील जी के मैंने कोई सवाल जो किए हैं कोई आवाज सुशील जी की मेरे पास नहीं आई है। अगर आपने सुना है तो आप बता दीजिए मुझे, जवाब दूंगा। सुशील जी एक बार फिर से सवाल दे दीजिए। सुशील जी एक बार फिर से वही सवाल बता दीजिए अकील जी को। 140 करोड़ आवाम इंडी गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है तो इनके अनुसार दूसरे पार्टियों को क्या एक भी वोट नहीं मिलेगा? ये इनसे पूछ लीजिए। इस्लाम के अनुसार अकील जी सुशील जी ने एक सवाल उठाया है कि अगर इंडिया गठबंधन सारे वोटों से जीत रही है तो क्या अन्य गठबंधन जो है वो किसी भी वोट से नहीं जीत रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम धर्म के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है आखिर उस शिक्षा के हिसाब से धर्म में जो एकता है। सियासत धर्म अपनी जगह पे, हमें सियासत और धर्म को अलग नापते हैं। हम इस्लाम के नाम पर किसी से वोट नहीं मांगते हैं। इस्लाम अलग है, धर्म अलग है और सियासत अलग है। सियासत में भारतीय जनता पार्टी वोट मांग सकती है। धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, कृष्ण मंदिर के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी तो वोट मांग सकती है। लेकिन मैं आपके चैनल कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन में जितने दल है इनके साथ तो 37-38 दलों से इन्होंने गठबंधन कर रखा है और इंडिया गठबंधन ने तो महज 27-28 दलों से गठबंधन किया है। इनको अब पूरे देश की आवाम समझ चुकी है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। देश की आवाम नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरीके से झूठ और फरेब थे, क्योंकि हमारे देश में 1947 से लेके अब तक इतना झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री देश के अंदर नहीं हुआ। इन बातों को भी आप बताइए, क्योंकि आप वोट मांगिए, आप सियासतदान हैं, सियासत करिए, लेकिन आप जो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नाम पर आप सियासत करिए, आप कोई सियासत ने वो दिया है, लेकिन मुसलमानों को धर्म के नाम पर कोई सियासत करने का अधिकार नहीं है। ठीक है सिद्धांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? यामिन जी एक भी उत्तर नहीं दिया, क्या दूसरी पार्टियों को एक वोट नहीं मिलेगा? सिर्फ मुझे एक मिनट दीजिए, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमने धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, हमने जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा, हमने शिक्षा के नाम पर वोट मांगा, ये बात ये कह रहे हैं, हमने महंगाई के नाम पर वोट मांगा है। पहला मैं एग्जांपल इनको देना चाहूंगा, सन 2024 में 32 रुपए पेट्रोल था, जब आपने सरकार छोड़ी तो 70 रुपए से 72 रुपए पेट्रोल हो गया, 220% की महंगाई जो है वो आपके कार्यकाल के दौरान देखने को मिली। आज जो पेट्रोल है वो 94 रुपीज है, मुश्किल से 70-71% की महंगाई देखने को मिली है। तीसरी बात मैं रोजगार पर आ जाता हूँ, तो अभी एक नई रिपोर्ट आई है जो मिंट में छपी है, कभी न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ लिया करिए, उसमें एक दिया गया है कि भारत में नए स्टार्टअप जो है वो 37% से ज्यादा बढ़े हैं, यानी कि टोटल उनकी संख्या 300 से ज्यादा हो गई है। 300 से ज्यादा कंपनियां हैं जिन्होंने अपना रोजगार स्थापित सक्सेसफुली भारत में किया है। दूसरी बात रोजगार भर्ती में 9% से ज्यादा पिछले 2023 के मुकाबले
9% ज्यादा की वृद्धि हुई है, ये फॉर्च्यून इंडिया ने कहा है कल की रिपोर्ट। जल्दी अपने मुद्दों को रखिए, समय की पाबंदी है। झूठ के रामायण मत पढ़िए। आई सेक्टर में मेरी बात सुनिए सर, पूरी बात सुनिए। आप लोग के पास फैक्ट है नहीं, आप चिल्लाने लगते हैं। मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, अगर नहीं निकले ना आप अगली डिबेट उनसे टक्कर लीजिएगा। आई टी सेक्टर में 40 से 50% की वृद्धि हुई है, यानी कि 5.39 मिलियन। ठीक है सिद्धांत जी, आप सभी गेस्ट का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह की धर्म की राजनीति व्याप्त हो गई है, आपने देखा कि चर्चा में ही धर्म की राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल गई कि हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर जो सियासत फैल रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। ओबीसी आरक्षण रद्द करने के पीछे मुद्दा गहरा है। आखिर अब इस आदेश को टीएमसी सरकार यानी कि ममता बनर्जी कब तक मानेंगी, या फिर इस पर कोई बड़ा एक्शन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे केकेडी न्यूज़।